हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कोरोना टीका नहीं लेने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें। पटना के सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में नहीं मिलेगी एंट्री, नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। अगर आपने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिया है तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रशासन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ज़्यादा सख्ती बरत रहा, इसे लेकर पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने नया आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसे लोगों को सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में एंट्री नहीं दी जाएगी जिन्होंने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में भी कोरोना को लेकर फिर पुराने नियमों का पालन कराने की तैयारी भी शुरू हो गई। अगली खबर, दो ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पर पहुंचा आयांश, मां की लोगों से मार्मिक अपील, दुआ कीजिए बेटा ठीक हो जाए। स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप 1 से पीड़ित 12 माह का आयांश वेंटिलेटर पर है। दो ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई है। कोरोना को मात देने के बाद वह अब नई समस्या से घिर गया। बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल में आयांश को लेकर भर्ती मां नेहा सिंह ने वीडियो बनाकर लोगों से दुआ करने की अपील की। मां ने कहा कि दुआ कीजिए कि बिहार का बेटा ठीक होकर हम लोगों के बीच वापस आ जाए। आयांश अभी वेंटिलेटर पर है और आज उसे वापस हम लोगों के बीच आने के लिए दुआ की ज़रूरत है। अगली खबर, भागलपुर रेलवे स्टेशन का एक दिलचस्प वाक्य सामने आया। खुद को सांसद बताकर VVIP रूम में ठहरी महिला, VIP वेटिंग रूम में ठहरने के लिए एक महिला फर्जी सांसद बन गई। अधिकारियों को झांसा देकर एक रात तो ठहर गई, लेकिन जब दूसरी रात ठहरने पहुंची तो भांडा फूट गया। बताया जाता है कि खुद को बांका की सांसद बता कटोरिया के घरमोरा की रहने वाली आयशा खातून भागलपुर रेलवे स्टेशन के VIP रूम में ठहरने के लिए पहुंची। उस पर बिना शक किए अधिकारियों ने VIP वेटिंग रूम में ठहरने की इजाज़त भी दे दी। 24 घंटे तक वहां गुजारने के बाद वह फिर ठहरने पहुंच गई, अपने को बांका की सांसद बताया और कमरा नहीं देने पर प्रधानमंत्री को फ़ोन पर धमकी देने की बात कही, लेकिन इस बार कर्मचारियों को शक हो गया और उन्होंने उसे ठहरने की अनुमति नहीं दी। अगली खबर, 5 दिसंबर को बारिश के बाद बिहार में बढ़ेगी ठंड। आपको बता दें कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रवाह तेज है, लेकिन 1.5 किलोमीटर ऊंचाई के कारण इसका असर अभी बिहार में कम दिख रहा है। इसके प्रभाव से आर्द्रता अधिक हो रही है और मौसम शुष्क होने के कारण ठंडी हवाएं बिहार के सभी हिस्से में समान रूप से प्रभावित नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटा मौसम समान रहने के बाद आसमान में बादल छाए रहेगा और 5 दिसंबर को बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इसके बाद तापमान में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान है। अगली खबर, खगड़िया में जूनियर इंजीनियर ने आत्महत्या की सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी की प्रताड़ना से पीड़ित हूँ। खगड़िया में पत्नी से अनबन के बाद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एक जूनियर इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। पुलिस ने मृत जूनियर इंजीनियर का शव खगड़िया पावर सब ग्रिड स्थित उसके क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर बरामद किया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित राजौरा गाँव के वार्ड संख्या 10 निवासी शिक्षक कैलाश पंडित के पुत्र रणधीर कुमार सुमन के रूप में की गई है। अगली खबर, बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा गर्म हो रहा। RJD इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल सकती है। पार्टी की मांग है कि CM इसी सत्र यानी शीतकालीन सत्र में अपने बलबूते जातीय जनगणना कराने की घोषणा करें। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़ा विरोधी केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की मांग ठुकराने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। हमारी मांग के अनुसार बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराए, इसी सत्र में इसकी घोषणा भी की जाए। इस मांग को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तेजस्वी यादव हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अगली खबर, बेगूसराय में 4 साल के मासूम को मारी गोली, कंधे पर बैठाकर घर ले जा रहा था पिता, नशेड़ी ने पीछे से चला दी गोली। बेगूसराय में बदमाशों ने 4 साल के मासूम बच्चे को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल अवस्था में परिजनों ने इसे इलाज के लिए बेगूसराय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इसका इलाज चल रहा। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बाबूराही गाँव की है। घायल बच्चे के पिता विनोद यादव ने बताया कि बीती रात अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घर ले जा रहे थे, तभी नशे में धुत तिलक यादव के द्वारा पीछे से गोली चला दिया गया। अगली खबर, 20 दिसंबर से मिनी पितृपक्ष होगा शुरू, 15 दिनों तक चलेगा। पिंडदान के लिए 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद। अश्विनी माह के बाद अब पौष माह में मिनी पितृपक्ष शुरू होने जा रहा।
मिनी पितृपक्ष 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 20 दिसंबर से कृष्ण पक्ष में पिंडदान का महत्व बढ़ जाएगा और तीर्थयात्री अपने पूर्वजों का गया श्राद्ध कर सकेंगे। पंडों के मुताबिक यह समय उत्तम है। पिंडदान के नज़दीक आते ही विष्णुपद मंदिर से जुड़े पंडा समाज के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और अपने अपने क्षेत्र के तीर्थयात्रियों को गया लाने के जुगट में जुटे हैं। अगली खबर, बीजेपी के निशाने पर आए सीएम नीतीश कुमार। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले, अफसर राजतंत्र की तरह करते हैं व्यवहार। बिहार में बीजेपी कोटे से आने वाले मंत्री की गाड़ी सुरक्षा कर्मियों के रोकने के मामले में अब बीजेपी अपने नेता के पक्ष में उतर आई। विवाद सामने आने के महज 3 घंटे के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो इसकी बिहार की स्थितियों की तुलना की राजतंत्र से कर दी है। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। किशोर ने विपक्ष की कमान को लेकर कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाया। किशोर ने कहा कि जो पार्टी पिछले 10 साल में 90% चुनाव हारी है, उसका विपक्ष के नेतृत्व पर कोई दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी सलाहकार हैं और उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अगली खबर, वेब सीरीज मिर्जापुर में मुन्ना भैया के खास दोस्त ललित का किरदार निभा रहे ब्रह्मा मिश्रा की मौत हो गई। ब्रह्मा को 29 नवंबर को चेस्ट पेन की शिकायत के बाद डॉक्टर ने गैस की दवा देकर घर भेज दिया था, लेकिन घर पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। दर्दनाक बात यह है कि उनकी लाश 3 दिन तक घर के बाथरूम में ही पड़ी रही। फिलहाल मुंबई में पुलिस उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही ताकि मौत का सही समय और कारण पता लगा जा सके। तो दोस्तों, बिहार की सुबह की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।